आप देख रहे हैं अंग्रेजी मास्टर जी सीखने का नया अंदाज। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलिएगा ताकि पाए हमारे वीडियो आप सबसे पहले। चैप्टर 6 यूज ऑफ हैड बेटर। आज आप सीखेंगे हैड बेटर का प्रयोग। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट यूज ऑफ हैड बेटर, अच्छा होगा बेहतर होगा। इसका प्रयोग अच्छा होगा बेहतर होगा के सेंस में किया जाता है। इससे बनने वाले वाक्य बड़े अच्छे होते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप और अदर वर्ड। नॉट तब लगाइए जब वाक्य नेगेटिव हो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा यहाँ से चले जाओ। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। उसके लिए अच्छा होगा मुझसे बात न करे। ही हैड बेटर नॉट टॉक टू मी। पिताजी के लिए बेहतर होगा कि वे आज ऑफिस न जाएं। फादर हैड बेटर नॉट गो टू ऑफिस टुडे। तुम्हारे लिए अच्छा होगा मुझसे मिलने यहाँ आया करो। यू हैड बेटर कम हियर टू मीट मी। रवि के लिए अच्छा होगा कि वह घर पर पढ़ा करे। रवि हैड बेटर स्टडी एट होम। तुम्हारे लिए बेहतर होगा यहाँ न बैठो। यू हैड बेटर नॉट सीट हियर। उसके लिए अच्छा होगा कि यहाँ बार बार न आया करे। ही हैड बेटर नॉट कम हियर अगेन एंड अगेन। चलिए नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ कैन, सकता है सकती है सकते हैं। इसका प्रयोग ताकत कैपेसिटी यानी क्षमता योग्यता के लिए करते हैं, यानी ऐसा सेंस वाक्य में मिलना चाहिए। तो आप सकता है सकती है के लिए कैन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं कि कैसे करें हम कैन का प्रयोग। सबसे पहले आप सीखिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मत मीन्स वाक्य को कैसे बोला जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नॉट का प्रयोग आप तब करिए जब वाक्य नकारात्मक हो यानी नेगेटिव हो। तो आप नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। पॉजिटिव है तो आप नॉट को आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको वाक्य किस तरीके से बनाना है और कैन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। समझ रहे हैं ना आप अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया, और समझ में आनी भी चाहिए। तुम यह कर सकते हो, यह पहला वाक्य है। यू कैन डू इट। यू सब्जेक्ट है, कैन उसके बाद डू वर्ब है और इट का प्रयोग किया गया। यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो। और इस वाक्य से ताकत के बाद सेंस मिल रहा। मैं वहां जा सकता हूँ, मुझ में जो वहां जाने की क्षमता है। आई कैन गो देयर। कैन डेली यूज होने वाले। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू कैन स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट टॉक इन टू इंग्लिश। अब हम चलिए सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक शब्द। तो यदि हम प्रश्नवाचक शब्द की बात करते हैं तो आप यूज ऑफ इट एंड देयर वाले वीडियो को, यानी हमारे पिछले वीडियो जो हमने बनाया है उसमें यूज ऑफ इट एंड देयर का प्रयोग बहुत ही अच्छे से बताया गया है। उसमें प्रश्नवाचक वाक्य को भी बहुत अच्छे से समझाया गया है।
जब प्रश्नवाचक वाक्य हम बनाते हैं तो नथिंग विल बी डू मोर, हमें अधिक कुछ नहीं करना होगा, बस हमें क्या करना होता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब बदल जाते हैं, है ना। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आपका मेन वर्ब लगता है। तो पहला जो होता है आपका प्रश्नवाचक, वो होता है आपका यस नो टाइप क्वेश्चंस। प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है उसमें फर्स्ट आप पाएंगे यस नो टाइप क्वेश्चन का मतलब, ऐसे वाक्य जिसका उत्तर हम यस या नो में देते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम आपको दिखाते हैं कि कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, ये आपका यस नो टाइप क्वेश्चन है। कैन यू स्पीक इंग्लिश, ये हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है, और अंग्रेजी जब बनाते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। क्या तुम अकेले यहाँ रह सकते हो, कैन यू स्टे हियर एलोन, एलोन मीन्स अकेला, कैन यू स्टे हियर एलोन। क्या तुम वहां नहीं जा सकते हो, कैन यू नॉट गो देयर, क्या तुम वहां नहीं जा सकते हो, कैन यू नॉट गो देयर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हम आपको एग्जांपल बताने जा रहे हैं वो डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चन से ले रहे हैं, ठीक है। हम इसमें सीखेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके हम वाक्य कैसे बनाए, यानी कैन का प्रयोग हम इस वाक्य में कैसे किया जाए। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ वह तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, यहाँ देखिए बीच में क्या दिख रहा है, यानी प्रश्नवाचक शब्द उसको पहले लिखा जाता है इंग्लिश में, जैसे व्हाट कैन यू डू फॉर मी। और इसमें देखा जाए तो ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं होता है, हमें जैसे यस नो टाइप क्वेश्चन हम लोग हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड यूज़ कर देते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तो सेंटेंस बन जाता है। और इसका आप जवाब यस या नो में आप नहीं दे सकते। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख लीजिए, तुम यह काम क्यों नहीं कर सकते हो, वाई कैन यू नॉट डू दिस वर्क, तुम यह कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू दिस। सीखने में हमें थोड़ा सा इंजॉय इंट्रेंस लेना चाहिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ कुड, सका सकी सके, यानी कि जो ये कुड होता है ये कैन का पास्ट होता है, कैन का पास्ट होता है कुड। तो इसके जो सेंस होते हैं वो सका सकी सके होते हैं, जबकि हमने बताया कैन का सकता है सकती है सकते, बिकॉज दैट इज प्रेजेंट एंड इट इज अ पास्ट। तो वह जो था वह प्रेजेंट में था और ये वह पास्ट। चलिए कुछ एग्जांपल हम आपके सामने लाते हैं कि हम कूड का प्रयोग कैसे करें, यानी किस तरीके के वाक्य को बनाने में करते हैं, उसके वाक्य होते कैसे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं एग्जांपल में। मैं वहां नहीं जा सका, आई कूड, सका के लिए कूड, आई कूड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका, यह वाक्य नेगेटिव है इसलिए नॉट दिख रहा है, आई कूड नॉट गो देयर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं, क्या तुम वहाँ नहीं जा सके, ये देखिए यस नो टाइप क्वेश्चन है ना, कूड यू नॉट गो देयर, क्या तुम वहाँ नहीं जा सके, इसलिए कूड पहले आ गया। समझ में आ रहा है ना आपको, यदि आप कोई भी क्वेश्चन है कुछ भी है आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए हमारे वीडियोस पे, ठीक है, तो हम आपको जवाब देंगे। फेसबुक पेज, यदि आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर जाइए, आप वहां पर सर्च करिए एसएससी इंग्लिश बाय प्रदीप सर, और आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। अभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियोस, और हम आपसे कहते हैं कि बिल्कुल मन लगाकर पढ़िए, आप मन लगाकर पढ़िए, लाइफ में कुछ करने के लिए आगे बढ़िए,
समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि देखिए, पढ़ना सीखना एक हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है, हमें करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो सोचे क्या करेंगे। तो सीखने में इंटरेस्ट लाना चाहिए, जैसे हम बाकी चीजों में इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं। हम बने ऐसे मिट्टी के हैं कि हमें जो वाकई करना चाहिए हम उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। चलिए देखिए, यहां पर यूज ऑफ नीड है ना, नीड का प्रयोग अंग्रेजी बोलते समय कैसे करें, समझ रहे हैं कि नहीं? तो नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको सिखाने वाले हैं यूज ऑफ नीड, और बेहतरीन तरीके से आप सीखेंगे यूज ऑफ नीड, यानी सीखने के बाद यू कैन यूज इन योर सेंटेंस। तो कीप ऑन वॉचिंग अंग्रेजी मास्टर जी चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, यानी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लेंगे तो जो वीडियोस हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन यानी मैसेज आप तक पहुंचेगा और आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आप यदि प्रदीप सर के साथ बने रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हाँ, कमेंट करिए, जो प्रॉब्लम है आप शेयर करिए, आई विल रिप्लाई ऑफ योर क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा। हाँ, आप हमारे, देखिए आप हमारे फेसबुक पेज पे जरूर जाइएगा, आप वहां पर लाइक कर सकते हैं आप हमें। अभी बहुत कुछ सीखना है इंग्लिश में आपको।